जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, दीना और जो जॉनसन दीना की गर्लफ्रेंड सैम को रोकते हैं और मदद के लिए सी बर्मन के घर जाते हैं। शुरुआत में तो वह उसे अंदर नहीं आने देती, मगर काफी रिक्वेस्ट के बाद फिर वह उसे अंदर आने देती है। दीना और जोश सैम को एक कमरे में बांध देते हैं और वह लड़की दीना और जोश को अपना नाम बताती है, जिगी, और बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सिंडी था, कैसे उनके साथ 12 जुलाई 1978 को शेडीसाइड में घटनाएं होना शुरू हो गई थी। कहानी शुरू होती है जिगी हमें बताती है कि कैसे उस कैंप में कुछ लड़कियों ने उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया था और वह सारी लड़कियां उसे चुड़ैल बोलती थी और बोलती थी कि ये सारा फेयर के कब्जे में है, और उसे एक पेड़ में वहां पे बांध देते हैं और लाइटर से उसके हाथ को जलाने लगते हैं। तभी वहां पे एक लड़का आता है जिसका नाम कर्ट होता है, वो उन सब में सीनियर होता है। उसे कहने से वो लोग उसे छोड़ देते हैं। जिगी अपनी चोट ठिकराने के लिए नर्स के पास जाती है जिसका नाम रूबी लेन होता है। वह रूबी लेन से बातें करते करते पूछती है कि वह सारा फेयर के बारे में क्या जानती है। तब रूबी लेन जिगी को बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी बेटी सारा फेयर के कब्जे में हो गई थी और कैसे उसकी बेटी ने कई सारे लोगों को मार दिया था, और जिगी वहां से डर के निकल जाती है। रास्ते में उसकी बहन सिंडी मिलती है, उन दोनों में फिर बहस स्टार्ट हो जाती है कि क्यों जिगी अपनी बड़ी बहन की रिस्पेक्ट नहीं करती है। और सिंडी वहां से जब वापस जाती है जहां पे वह सफाई कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ, और वहीं पे रूबी लेन नर्स उसके बॉयफ्रेंड टॉमी पे हमला कर देती है और वह टॉमी से बोलती है कि तेरा नाम तो उसने लिख ही दिया है, तुझे मरना ही होगा। टॉमी उस नर्स को धक्का देता है और वह नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, और बाद में वहां पे एम्बुलेंस आती है और उस नर्स को ले जाती है। इस घटना से टॉमी बहुत डर जाता है। बाद में वह लोग उस नर्स के कमरे में जाते हैं सिंडी, टॉमी और उसकी फ्रेंड एलिस और उसके बॉयफ्रेंड अर्नी के साथ, और चेक करते हैं कि उस नर्स ने टॉमी पर अटैक क्यों किया। उन्हें लगता है कि वह ड्रग्स का कमाल है, ज्यादा ड्रग्स लेती थी इसलिए वो पागल हो गई। और जब वहाँ पे वह सारे चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है। एलिस का कहना होता है वह डायरी सारा फेयर की है, क्योंकि उस पे जब वह चारों उस डायरी में बने हुए नक्शे के मुताबिक एक जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उस नर्स ने उस जंगल में कई सारे गड्ढे खोद रखे होते हैं, क्योंकि वो सारा फेयर का कटा हुआ हाथ ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि अगर सारा फेयर का कटा हुआ हाथ उसकी पूरी बॉडी से मिला दिया जाएगा तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। तब उन लोगों को उसी जंगल में एक गुफा मिलती है और वह सारे उस गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में एक दीवार होती है जहाँ पे शेडी साइड के सारे हथियारों के नाम लिखे होते हैं। उस दीवार पे उस नर्स की बेटी का भी नाम होता है और सिंडी के बॉयफ्रेंड टॉमी का भी नाम होता है, और धीरे धीरे टॉमी के ऊपर सारा फेयर का असर हो जाता है। और टॉमी के पास रखी हुई कुल्हाड़ी टॉमी उठाता है और अर्नी के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, और अर्नी वहीं पे मर जाता है। फिर वह कुल्हाड़ी लेकर उन लड़कियों के पीछे ही पड़ जाता है। वह दोनों लड़कियां एक गुफा में छुप जाती हैं और गुफा अपने आप बंद होने लगती है। टॉमी उस गुफा से निकल जाता है और कैंप की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे सिडी साइड के कई सारे बच्चे और सनीविल के कई सारे बच्चे होते हैं। और कैंप में तो रात को एक गेम चल रहा था जिससे कि सारे बच्चे बाहर थे कैंप के, मगर सारा फेयर जिनको मारने के लिए भेजती है वह सिर्फ शेडी साइड के ही बच्चों को मारते हैं, सनीविल के बच्चों को नहीं मारते हैं, क्योंकि सारा फेयर सिर्फ शेडी साइड के लोगों से ही बदला लेना चाहती है। और कैंप में जिगी को कई लड़कियां परेशान कर रही थी, तो जिगी और उसका बॉयफ्रेंड वह दोनों मिलकर उन लड़कियों से बदला लेते हैं। वह दोनों मिलकर एक लड़की शीला को बाथरूम में बंद कर देते हैं, और जब तक टॉमी कैंप में पहुंच चुका होता है पहले तो वह एक बच्चे को कुल्हाड़ी से मार देता है, फिर धीरे धीरे करके वह एक काउंसलर को और बाकी बच्चों को भी मार देता है। जब यह बात जिगी और उसके बॉयफ्रेंड को पता चलती है तो वह बाकी जो भी बच्चे बाहर होते हैं उन सबको कैंप के अंदर ले जाते हैं। जब जिगी और उसका बॉयफ्रेंड हॉल में सभी बच्चों को जमा कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी जिगी की बहन सिंडी और बाकी कई लोग कैंप से बाहर हैं, तो वह दोनों बाहर निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। तब जिगी को याद आता है कि उसने तो शीला को अभी बाथरूम में ही बंद कर रखा है। जब वह शीला को खोलने आती है तो उन दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंडी जो उसकी फ्रेंड एलिस जो नीचे गुफा में अभी भी बंद होते हैं, जब वह गुफा से निकलने का रास्ता देख रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक अजीब सी चीज दिखती है गुफा के अंदर। जैसे ही एलिस उसे छूती है तो एलिस को अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। वह सारे शेडी साइड के हथियारों की परछाई होती है। एलिस उसे देख के काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते उसके पैर में चोट लग जाती है और वह नीचे गिर जाती है। जब सिंडी एलिस के पैर में पट्टी बांध रही होती है तो उन लोगों को काफी स्मेल लगने लगती है टॉयलेट की। उन्हें पता चलता है कि ये कैंप का ही टॉयलेट है जहाँ पे वह कैंप के टॉयलेट के नीचे बंद है। जब सिंडी को अपनी बहन जिगी की आवाज लगती है तो वह जिगी को आवाज लगाने लगती है नीचे से। जिगी को लगता है कि उसकी बहन की नीचे से ही आवाज आ रही है और वह टॉयलेट के नीचे उसे देखने लगती है। तब जिगी रस्सी को बाल्टी में बांध के नीचे डाल देती है ताकि वह लोग बैठ के ऊपर आ सके। जैसे ही जिगी एलिस को ऊपर खींच रही होती है तभी वहाँ पे टॉमी आ जाता है और जिगी के एक फ्रेंड की गर्दन काट देता है, और जिगी का फ्रेंड नीचे सिंडी के पास जाके नीचे गिर जाता है और जिगी वहाँ से भाग जाती है। तब एलिस सिंडी को बताती है कि अगर गुफा का रास्ता बाथरूम में खुल रहा है तो हो सकता है इस गुफा का रास्ता कैंप के और भी किसी हिस्से में खुलता हो। एलिस के पैर में तो चोट होती है लगी हुई, इसलिए एलिस वहीं पे नीचे बैठ जाती है और सिंडी अकेले ही निकल जाती है कोई और रास्ता ढूंढने के लिए। जब एलिस वहां पे अकेले बैठी होती है तो उसे अजीब सी लाल काही के अंदर सारा फेयर का कटा हुआ हाथ मिल जाता है। दूसरी तरफ जिगी और उसका बॉयफ्रेंड एक
लैब में छुप जाते हैं जाके। अगर वहाँ पे भी टॉमी आ जाता है, जब टॉमी वहाँ पे आ जाता है और वह जिगी को देख लेता है, तो जिगी पे कुल्हाड़ी से वार करना ही वाला होता है। तभी बीच में उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसकी टांग पे कुल्हाड़ी लग जाती है और जिगी वहाँ से भाग जाती है। तो टॉमी भी जिगी के पीछे आ जाता है, क्योंकि वह सनी वेल के बच्चों को नहीं मारता, उसका बॉयफ्रेंड सनी वेल का था इसलिए वह उसे नहीं मारता है। और जिगी शेडी साइड की होती है इसलिए जिगी के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तब तक हॉल के सारे बच्चे एक दूसरे काउंसलर के साथ बस में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और जिगी हॉल के किचन में जाके छुप जाती है। अगर वहाँ पे भी टॉमी आ जाता है, जिगी उस पे वार करती है तो उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है और जिगी उसके सर पे एक बोरी बांध देती है। ये वही मास्क मैन है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दीना और उसके फ्रेंड को जंगल में मिलता है। उस गुफा का रास्ता हॉल में भी आता है, जहाँ पे सिंडी आ जाती है और जाली पर दांतों से वार करने लगती है उसे तोड़ने के लिए। जैसे ही उसकी बहन सिंडी हॉल में आती है तो वह टॉमी पे अटैक कर देती है जिससे कि टॉमी नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसी हॉल में एलिस भी आ जाती है और एलिस सिंडी और जिगी को बताती है कि उसे सारा पैर का कटा हुआ हाथ मिल चुका है। इतनी देर में टॉमी भी उड़ जाता है और वह कुल्हाड़ी से एलिस के ऊपर वार करता है और एलिस यहीं पर मर जाती है। सिंडी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से पागल होकर एक फावड़ा उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड टॉमी का गला काट देती है। जब उनको हरा फेर का कटा हुआ हाथ मिल जाता है तो वह दोनों कहने उसका हाथ उठाकर वहाँ से जंगल की तरफ भागती है, जहाँ पे उन्हें पता होता है कि सारा फेर की कबर है उस पेड़ के नीचे। जैसे ही वहाँ पे वह उसकी कबर खोदती है तो उन्हें वहाँ पे एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर पे लिखा होता है कि ये सब कभी खत्म नहीं होता। वह दोनों ये पढ़ के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो जिगी सिंडी को बताती है उनकी तरफ कई सारे लोग आ रहे हैं, वह सारे लेडी साइड के हत्यारे होते हैं, वह पहले ही मर चुके होते हैं। जैसे कि टॉमी मर चुका था मगर वह भी आ रहा होता है और बाकी कई सारे लोग आ रहे होते हैं। उसमें एक गाने वाली चुड़ैल होती है जो हमें फर्स्ट पार्ट में भी दिखाई जाती है। वह सारे मिलके उन दोनों बहनों पे वार करना शुरू कर देते हैं। सिंडी के सीने में टॉमी बार बार कुल्हाड़ी से वार करता है, सिंडी तो वहीं पे मर जाती है। पर एक दूसरा हत्यारा जिगी के पेट पर वार करता है बार बार चाकू से। जब वह दोनों मर जाती है तो वहाँ से निकल जाते हैं सारे। जैसे ही वह सारे हत्यारे वहाँ से निकल जाते हैं तभी जिगी का बॉयफ्रेंड आता है और जिगी को CPR देने लगता है। जिगी तो होश में आ जाती है मगर उसकी बहन वहाँ पे मर चुकी होती है। जब ये पूरी स्टोरी जोश और दीना सुन लेते हैं तो उन्हें पता होता है तारा फेर का कंकाल कहाँ पे है। तो दीना जिगी से तारा फेर का कटा हुआ हाथ लेके उस कंकाल के पास जाती है। जैसे ही वो उस कंकाल पे रखती है तो उसे अजीब अजीब से एहसास होने लगते हैं, उसे सारा फेर देखने लगती है और वह 1666 में सारा फेर की जगह पे पहुंच जाती है और दीना अपने आप को 1666 में सारा फेर के रूप में देखती है। यानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी मूवी का पार्ट ही बाकी है जो अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।